नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक ईटूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो में समझने जा रहे हैं व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, यानी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कैसे काम करता है, कहां पे हम इसका यूज करते हैं, कितने टाइप्स के ट्रांसड्यूसर होते हैं, सभी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक ईटूटर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सबसे बनने वाले को देखा बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर दें। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हम इस चैनल पर जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो जिसके अंदर हम समझ जा रहे हैं व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। वीडियो स्टार्ट करने पहले हम आपको बताएंगे ये ट्रांसड्यूसर जो है वो इंजीनियरिंग टॉपिक है, जो लोग डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं या फिर बीटेक वीई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उनके अंदर ये पढ़ने को मिलता है। अक्सर यह टॉपिक जो है इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड का है। तो समझ लेते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर जो एक शब्द है काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली ये जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम का महत्वपूर्ण भूमिका ये प्ले करता है ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहले इसकी ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन देख लें, मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किया है, बस बता दें कि ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि ट्रांसड्यूसर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी के एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ठीक है, समझ गए। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रांसड्यूसर। ये क्लियर होना चाहिए, सिंपल है। हम याद करते हैं कि हमारा डीसी मोटर बारे पढ़ते थे, हम मोटर और एसी मोटर बारे पढ़ते थे। मोटर क्या करती है, आपको आप वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिज्म कन्वर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ट्रांसड्यूसर शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन आपको याद रखना, ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। जबकि सब लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर जो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी करता है, ये भी सही है। अलग अलग डेफिनेशन निकल कर आएंगे इस टॉपिक के अंदर, सब कुछ क्लियर किया जाएगा, लेकिन मेन डेफिनेशन आपको याद रखना है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के जिस इक्विपमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। क्लियर। क्लासिफिकेशन की बात कर लें, टाइप्स की बात कर लें, ठीक है। थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं ट्रांसड्यूसर का। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर ट्रांसड्यूसर लगा है, यहाँ पे आपको कोई इनपुट, आपने सिग्नल दिया इनपुट, और हमको आउटपुट क्या मिलेगा, कन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ पे हमने लगा दिया ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये आपकी फिजिकल सिग्नल मान लो या इनपुट सिग्नल मान लो, फिजिकल क्वांटिटी, और ये आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यहाँ पे निकल गई, ठीक है। या इलेक्ट्रिकल फिजिकल यानी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म के लिए ट्रांसड्यूसर की डायग्राम बन गया। हम तस्वीर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से यहाँ से सिलेक्टेड सिलेक्टेड में नोट डाउन किए, पहला मैंने लिखा है यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। दूसरा है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, थर्ड है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, फोर्थ है एज ए ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मतलब कि इसको इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर भी हम बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर आप बोल सकते हैं। तो जनरली चार टाइप है, चार के अंदर ही चार दुनिया आठ आपके होगा, ये टाइप्स आपको याद करना वेरी इजी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एक्टिव एंड पैसिव, एनालॉग एंड डिजिटल, इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल, या एज ए ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स से बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर या इनवर्स ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं, ठीक है। अब इनको समझ लेते हैं सेपरेट सेपरेट। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी यदि बात करें, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी मतलब कि फर्स्ट स्टेज पर, इनिशियली फर्स्ट डिवाइस, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जिस मेजर सिस्टम में, जिस ऑटोमेशन सिस्टम में यहां भी हम यूज करते हैं उसको प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इसको क्यों बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रही है, फिजिकली सिग्नल को हमको मेजर करना है। फिजिकल सिग्नल आपका क्या हो सकता है, फिजिकल सिग्नल या हम यूं कहें कि जहां से हमको सिग्नल लेना है उसी सिग्नल को लेने के लिए रिसीव करके कन्वर्ट करने में जिस इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसको प्राइमरी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर के फॉर्म बात करें, बॉर्डन ट्यूब रहती है हमारी, इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट चीज समझ सकते हैं। बॉर्डन ट्यूब आपने देखा होगा, बॉर्डन ट्यूब का डिजाइन कंस्ट्रक्शन इस टाइप का रहता है। अब बॉर्डन ट्यूब क्या करती है, आपकी प्रेशर मेजरिंग के लिए ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। यहाँ पे हम प्रेशर गेज जो रहता है हमारा, इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड के सब लोग जानते होंगे इसकी प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर गेज में क्या लगा रहता है, आपकी बॉर्डन ट्यूब लगा रहती है। बॉर्डन ट्यूब में क्या करते हैं, प्रेशर आपका इनपुट देते हैं हम, यहाँ पे प्रेशर इनपुट करेंगे, बॉर्डन एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे पॉइंटर पिनियन अरेंजमेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंगली पॉइंटर मूव करता है, हमको प्रेशर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है फिजिकल सिग्नल के रूप में। तो जो बॉर्डन ट्यूब है वो आपकी प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाएगी। अब सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर,
यानी कि वह रहेगा जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर यानी प्राइमरी डिवाइस में सिग्नल दिया, उस सिग्नल से जो आउटपुट मिला उसको हम सेकेंडरी डिवाइस में दें, वो हमारा रहेगा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉर्डन ट्यूब को प्रेशर गेज में लगाते हैं, लेकिन प्रेशर गेज में लगाते हम यहाँ पे लगा देते हैं एलवीडीटी। एलवीडीटी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि आपका ये मूविंग हो गया, इसके बाद सेकेंडरी, एक मिनट बता देता हूँ, ये हो गया आपका एलवीडीटी मान लेते हैं। एलवीडीटी क्या होगी, एलवीडीटी डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। अब कैसे मिलेगा, ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, कौन सा, बॉर्डन ट्यूब, इसको बोलते हैं बॉर्डन ट्यूब, ये होगी एलवीडीटी। अब ये वाला हो गया हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, फिजिकल सिग्नल हमको मेजर करना है, कोई प्रेशर लाइन है, फ्लो लाइन है, लेवल है, या प्रेशर स्टीम का पाइप लाइन है, उसमें प्रेशर फ्लो रहा, तो प्रेशर में डायरेक्ट बॉर्डन ट्यूब में दे दिया, क्योंकि प्रेशर मेजरमेंट करना है, बॉर्डन ट्यूब एक्सपेंड कॉन्टेक्ट होगी, एक्सपेंड होगी, अब कितना प्रेशर है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एमडीएम कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक और ट्रांसड्यूसर लगा दिया एलवीडीटी। एलवीडीटी हम क्या करेंगे, उस डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा भाई, या जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल आउटपुट जनरेट होगा वह प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर के, तो प्रेशर डायरेक्टली रीड आउट कर लिया। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी एंड सेकंड ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वह ट्रांसड्यूसर है जबकि सिग्नल को या किसी मेजरिंग क्वांटिटी को, मेजरिंग एलिमेंट्स, आपका जो आपका कुछ भी बोल सकते हैं आप, कंपोनेंट जो भी है, उसको मेजर करने के लिए फर्स्ट स्टेज पे जिस इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के बाद सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आता है, या सेकेंडरी इक्विपमेंट आता है जिसको बोलते हैं सेकंड ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये हुआ। दूसरा एक्टिव एंड पैसिव, समझ लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव क्या काम करते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव मतलब कि अपने आप जो काम करे, पैसिव मतलब कि खुद का कुछ ना हो, कुछ इनिशियली उसको सोर्स रिक्वायरमेंट हो, उसको हम पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। तो एक्टिव एंड पैसिव की बात यदि हम करें यहाँ पे, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं। एक्टिव वह ट्रांसड्यूसर होते हैं जो कि किसी सिग्नल को अदर सिग्नल में कन्वर्ट तो करते ही हैं, साथ में उनको ऑपरेट होने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे जो भी हमारी डिवाइस है उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इसका एग्जांपल की बात करें तो जो सोलर सिस्टम रहता है उसमें सोलर सेल लगे रहते हैं जो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, डीसी वोल्टेज जनरेट करते हैं, तो वहां पे रहते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल क्या होते हैं, सनलाइट जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो क्या है, वो भी ट्रांसड्यूसर है, लेकिन उनको किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इस कारण से ये हमारा हो गया एक्टिव ट्रांसड्यूसर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो सोलर सेल का, सोलर सेल नहीं फोटोवोल्टेइक सेल, उसके अंदर रहते हैं सनलाइट, आपका एक सिग्नल हो गया उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, काम हो रहा है ट्रांसड्यूसर का। सनलाइट जो एक सिग्नल है, एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट किया, मतलब कि फॉर्म भी कन्वर्ट हो गया और जो फोटोवोल्टिक सेल है उसने एक्सटर्नल सोर्स भी नहीं यूज किया, इसका उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर। बात करें पैसिव ट्रांसड्यूसर की, पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, पैसिव ट्रांसड्यूसर बेटर जो है वो भी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट तो करेंगे, बट उनको अपने आप को ऑपरेट होने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऐसे ट्रांसड्यूसर को हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल की बात करें भाई, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इससे पहले हम दो तीन वीडियो आपको बनाई है, ब्रिज रेक्टिफायर, और हमने आपको व्हीटस्टोन, मैक्सवेल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ब्रिज सर्किट वाले हमने पढ़ा है। सिंपल से एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्रिज सर्किट क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है और आपको आउटपुट मिलता है वहां पे, लेकिन उसको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कहने का मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी डिवाइस, ऐसे इक्विपमेंट जिनको ऑपरेट होने लगी इनिशियली कुछ पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है तब वो काम करते हैं, ऐसे इक्विपमेंट जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, क्लियर होगा, आप समझ गए होंगे पैसिव मतलब जिनको एक्सटर्नल सोर्स की पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट। आपका थर्ड आता है एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, नाम से क्लियर हो रहा है एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग की बात करें तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे ट्रांसड्यूसर, ऐसे इक्विपमेंट जो सिग्नल को तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म करेंगे लेकिन आउटपुट हमको एनालॉग ही देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज भी डिजिटल एनालॉग आता है, लेकिन प्रेशर गेज जिन लोगों ने देखा हुआ इंडस्ट्री में बात करें तो प्रेशर गेज क्या है, फिजिकल सिग्नल को हमको पॉइंटर ग्रुप में डिस्प्ले कराता है।
ठीक है, और जिस इक्विपमेंट में पॉइंटर लगा रहता है उसको, जो पॉइंटर के माध्यम से आपको आउटपुट मिलता है उसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। तो इसका प्रेशर गेज यानी कि पीजी जो है इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है एनालॉग ट्रांसड्यूसर का। प्रेशर गेज में क्या होता है आपका स्केल वही रहती है, स्केल में पॉइंटर रहता है और यहाँ पे हम स्केल करते हैं प्रेशर इंसर्ट देते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बॉर्डन ट्यूब होती है, बॉर्डन ट्यूब क्या करती है सी टाइप की बॉर्डन ट्यूब फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करती है, वो भी ट्रांसड्यूसर ने समझा था। बॉर्डन ट्यूब में जैसे प्रेशर जाता है बॉर्डन एक्सपैंड होती है पॉइंटर और पिन इंडिकेटर का उसके पॉइंटर मूव करता है डिस्प्ले जाता है, ये एनालॉग आउटपुट मिल गया एनालॉग ट्रांसड्यूसर हो गया। ट्रांसड्यूसर है फिजिकल सिग्नल को, हमको जो भी प्रेशर सिग्नल है या फ्लो है उसको डिस्प्ले करा रहा है, सिग्नल कन्वर्ट कर रहा है लेकिन एनालॉग। सेकंड बात करते हैं डिजिटल ट्रांसड्यूसर के बारे में, डिजिटल सिग्नल सॉरी डिजिटल ट्रांसड्यूसर वह ट्रांसड्यूसर है जो किसी भी मेजरिंग सिग्नल को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो करते ही हैं बट आउटपुट हमको डिजिटली देते हैं, डिजिटली देते हैं कि पल्स के रूप में देते हैं। अब पल्स रूप में कैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए आप सिंपल से इसका पल्स के रूप में है, हमारा सिमिट ट्रिगर हो गया, सिमिट ट्रिगर क्या शॉर्टवेव वेव देता है, ये हम जो बोले कि हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर हो गया डिजिटली लेकिन पल्सेस के रूप में देते हैं, ये हो गया। तो मतलब ऐसा ट्रांसड्यूसर जो कि इनपुट सिग्नल को पल्सेस के रूप में कन्वर्ट कर दे या पल्सेस डिजिटली पल्स के रूप में हमको सिग्नल देता है, शॉर्टवेव वेव जनरेटर या शॉर्टवेव जो सिमिट ट्रिगर है वो इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है डिजिटल ट्रांसड्यूसर का। तो ये हमारा हो गया। ये आप और बात करें हम कि आजकल तो डिजिटली हमारा मोटर बाइक में मीटर आता है, सिंपल सब बाइक चलाते हैं तो जो मीटर डिजिटल रहता है, स्पीड हम डिजिटल दिखती है कितने किलोमीटर या कितने स्पीड में मोटरसाइकिल भाग रही है तो डिजिटल आउटपुट मिल रहा है, लेकिन हमारी व्हील मूव कर रहा है वो तो स्पीड से भाग रहा है, स्पीड को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल सिग्नल में, तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लगा हुआ, एग्जाम्पल आपको समझ में होगा। दूसरी बात करें एज ए ट्रांसड्यूसर या इनवर्स ट्रांसड्यूसर या इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एंड नॉन इलेक्ट्रिकल या इनवर्स ट्रांसड्यूसर, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की बात कर लें सबसे पहले, नाम से क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है तो बोलेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर वह ट्रांसड्यूसर होता है जो कि किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, ऐसे ट्रांसड्यूसर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा LVDT। LVDT क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट आपका को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट आपका जो हो गया वो हो गया फिजिकल सिग्नल और आउटपुट जो मिलता है LVDT में मिलता है आपको वोल्टेज के रूप में, तो वो हो गया आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो बेस्ट एग्जांपल हो गया LVDT इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का। दूसरी बात करें हम इनवर्स ट्रांसड्यूसर की, इनवर्स ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, इनवर्स ट्रांसड्यूसर वह ट्रांसड्यूसर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर बोलते हैं इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थे, सिलेक्टेड टॉपिक्स थे जो ट्रांसड्यूसर के अंदर आते हैं। क्लास की बात करें तो मैंने आपको डीपली समझाने का प्रयास किया, एक बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज देने का प्रयास किया कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर डेफिनेशन हमको एग्जाम कैसे लिखना है, प्लस उसके क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, ये सारी लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है इनके टाइप्स, लिखने के बाद सभी को सेपरेट सेपरेट दो लाइन सबके अंदर लिखेंगे तो करीब आपके दो पेज इसमें हो जाएंगे कंप्लीट। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, मेजरमेंट सिस्टम के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट सिस्टम के अंदर जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रांसड्यूसर रिलेटेड टॉपिक अब आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, मुझे नहीं लगता इसके अलावा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको और पढ़ने लायक बची होगी, बट इसको आप सीरियसली देखें। और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है क्वेरी या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन ट्रांसड्यूसर रिलेटेड कैसी लगी, पसंद आई नहीं पसंद आई मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तब भी कमेंट बताएं कि अच्छी लगी, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छी लगे समझ में आए ट्रांसड्यूसर की इन्फॉर्मेशन वीडियो को लाइक कर लें आप, थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर लें उनको भी मिल जाए, और आप चाहते हैं इस प्रकार और एजुकेशन रिलेटेड अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे इस अशोक ETUTOR चैनल, साथ दबा दें बेल आइकन, इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हम इस चैनल पर इस तरह और एजुकेशनल वीडियोस पब्लिश करने वाले हैं या कल तक रहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं इस प्रकार नेक्स्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।